विदिशा जिले में व्यापार महासंघ और खाद्य विक्रय संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को एसपी रोहित कसबानी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर देर रात तक यात्री आते हैं, उन्हें भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे में देर रात 11:30 बजे से 12 बजे के बीच तक दुकान खोले जाने की अनुमति मांगी गई है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा दुकानदारों, रेस्टोरेंट चालकों से अभद्र व्यवहार की शिकायत भी की गई है। इसके आगे व्यापारियों ने बताया कि एसपी ने सभी व्यापारियों की इस मांग को स्वीकार करते हुए 11:30 बजे तक दुकान और रेस्टोरेंट खोले जाने की बात कही है। आज माननीय एसपी साहब से हम लोगों ने खाद्य पदार्थ विक्रेता संघ और विदिशा व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोग मिले थे और हमें मांग थी कि माधवगंज क्षेत्र और बस स्टैंड क्षेत्र में जो भी यहाँ पर खाने की होटलें हैं, लॉज है, होटल है, रेस्टोरेंट है, और इन सबको जो है रात 11:30 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी विगत दिनों में देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा अभद्रता की जाती है, हमारे व्यापारियों को अभद्र तरीके से बोला जाता है और उनको दुकान बंद करने का कहा जाता है, जो कि क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि 11:30 बजे तक आज विदिशा एसपी को एक ज्ञापन दिया गया जिस संबंध में ये मांग करी गई कि रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड क्षेत्र में खाद्य एवं भोजनालय की जो दुकानें हैं उनको 11:30-12 बजे तक की अनुमति दी जाए। शासन के जो अभी आदेश आए हैं कि 11 बजे तक दुकानें बंद करी जाएं, उस पर थोड़ा ढील दी जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं ट्रेन से और बस से, उनको भोजन उपलब्ध हो सके। कई ग्राहक ऐसे हैं जो रात को आते हैं और भोजन करके ही घर जाते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा विदिशा व्यापार महासंघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया।